हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज वीडियो में इकोसिस्टम उपरे किछटा इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवा, जोटा कि आपंकर आगे आसुवा बीड एंट्रेंस पे बहुत ही हेल्पफुल रहा। फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करा पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु, आउ चैनल को जदि फर्स्ट टाइम आसछन चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाए पे। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। देखिए फास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप फास्ट कौन दे, क्वेश्चन नंबर वन इकोलोजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो इकोलोजी कहले आप कौन बुझानती, इकोलोजी लिविंग बीइंग्स, देन दे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, देन दे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, देन दे एनवायरनमेंट। तो इकोलोजी कहले आम कौन बुझा, तो राइट आंसर कौन हो ना, इकोलोजी कहले आम बुझा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, दैट इज ऑप्शन सी हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटो इकोलॉजी डील्स हुई, तो ऑटो इकोलॉजी कहले आप कौन बुझे, ऑटो इकोलॉजी, तो ऑटो इकोलॉजी कहले आम कौन बुझा ना, ऑटो इकोलॉजी कहले आम इकोलॉजी ऑफ स्पेसीज को बुझा, क्या बुझा इकोलॉजी ऑफ स्पेसीज को बुझा, तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए देखो साइनेकोलॉजी, साइन इकोलॉजी कहीपरिवे, तो डील्स हुई, तो यहाँ कहले आम कौन बुझा ना, साइन इकोलॉजी कहले आम बुझा कौन ना, राइट आंसर है इकोलॉजी ऑफ मेनी पॉपुलेशन, कौन हो इकोलॉजी ऑफ मेनी पॉपुलेशन, ऑप्शन बी हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए देखो इको टाइप इज अ टाइप ऑफ स्पेसीज इन व्हिच एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशंस आर, तो इको टाइप हूँ गोटे टाइप ऑफ स्पेसीज, तो जो थी कौन होता है ना एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन देखा जाए, तो एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन जो सेटा केमिका टेम्पररी ना जेनेटिकली फिक्स्ड ना जेनेटिकली नॉट रिलेटेड ना नॉन ऑफ द अबव, कौन हो करेक्ट ना सेटा हूँ जेनेटिकली फिक्स्ड। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखु द टर्म बायो देला देखु बायोको इनोसीस, तो बायोको इनोसीस प्रपोज बाय, तो आप प्रपोज किए करते फास्ट किए आपको देखो ट्रांसले देन आपची कार्ल्स मोबियस, देन आपको वार्मिंग, तो देन आपको नॉन ऑफ द अबव, तो राइट आंसर हो देखो कार्ल मोबियस प्रपोज करते। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो एनर्जी रो पिरामिड इकोसिस्टम रे तो कौन कहा जाए, तो द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट ना मे बी अपराइट और इनवर्टेड, सॉरी इनवर्टेड। नेक्स्ट आप ऑलवेज देखिए इनवर्टेड, तो यहाँ इनवर्टेड। नेक्स्ट हूँ नॉन ऑफ द अबव, तो कौन हो तो एनर्जी पिरामिडटा सब इकोसिस्टम रे कौन थाए ना सब अपराइट, केम थाए सब अपराइट थाए मन रखिए अपराइट। नेक्स्ट हूँ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम कौन यूनिडिरेक्शनल बाय डिरेक्शनल ना आपन मल्टी डिरेक्शनल नॉन नॉन ऑफ द अबव, तो एनर्जी फ्लोटा केमी होता है इकोसिस्टम रे, तो मन रखिए एनर्जी फ्लोटा इकोसिस्टम रे केमी होता है ना यूनिडिरेक्शनल, केमी होता है यूनिडिरेक्शनल। नेक्स्ट एन इकोसिस्टम मस्ट हैव कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, तो गोटे इकोसिस्टम रे तो गोटे कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कौन थाए मिनरल्स ना एनर्जी ना फूड ना ऑल ऑफ द अबव, तो मन रखिए कंटिन्यूअस कौन थाए कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी थाए गोटे इकोसिस्टम रे कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी थाए। नेक्स्ट द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, गोटे इकोसिस्टम रे एनर्जी रो सोर्स किए एटीपी ना सनलाइट ना डीएनए ना आरएनए, गोटे इकोसिस्टम रे एनर्जी रो सोर्स होउची किए, तो जानते हैं ऑब्वियसली आप सनलाइट ही हो करेक्ट। नेक्स्ट हूँ ट्रॉपिक लेबल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो ट्रॉपिक लेबल केमी फॉर्म होता है ओनली प्लांट, ट्रॉपिक लेबल लेबल्स आर फॉर्म्ड बाय प्लांट्स मान द्वारा होता है ना ओनली एनिमल मान द्वारा ना कार्निवोरस मान द्वारा ना ऑर्गेनिज्म लाइक्ड इन द फूड चेन, सॉरी लिंक्ड इन द फूड चेन, तो ट्रॉपिक लेबल क्यों मैंने गठन करते हैं आपको पचार, तो ट्रॉपिक लेबल गठन करते तो जो मैंने फूड चेन में लिंक होती तो से ऑर्गेनिज्म मैंने या करते। नेक्स्ट पॉइंट देला देखो बायोटिक पोटेंशियल इज काउंटर देला देखो बायोटिक पोटेंशियल इज काउंटराक्टेड बाय, तो बायोटिक पोटेंशियल काउंटराक्टेड बाय कौन हम करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर कौन हो ना नॉन ऑफ द अबव हो, तो आ भितर क्योंटी भी हम ना। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम रा डेफिनेशन पचार कौन हम ना यहाँ कौन ना यहाँ गोटे जो थे गोटे कम्युनिटी सृष्टि होता है कौन ना कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ एनवायरनमेंट व्हिच दे लिव, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट इन ए फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इन ए फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर, तो गोटे ग्रासलैंड इकोसिस्टम रा फूड चेन रे टॉप कंज्यूमर माने किए
हर्बिवरस ना कार्निवरस ना बैक्टीरिया ना आइदर कार्निवरस और हर्बिवरस कौन है करेक्ट आंसर ना हो कौन ना कार्निवरस माने टॉप कंज्यूमर इन फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट एम ए बी स्टैंड्स फॉर तो एम ए बी फुल फॉर्म कौन तो फुल फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट एम ए बी कहले आप कौन बुझे एम ए बी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पार तो एम ए बी हूँ कौन ना मैन आउ बायोस्फीयर कौन हो मैन आउ बायोस्फीयर मैन आउ मैन एंड बायोस्फीयर तो राइट आंसर हो ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट देला स्पेसीज दैट ऑकर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स सेपरेटेड बाय स्पेशियल बैरियर आर तो कौन कह जाए तो कौन कह गोटे स्पेसीज दैट ऑकर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन तो गोटे प्रकार स्पेसीज जोटा कि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ने देखा जाए तो स्पेशियल बैरियर द्वारा सेपरेट होता है तो से बैरियर को कह जाए कौन ना कौन कहती ना आलोपैट्रिक बोली कहती। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा तो इन ह्विच बायोम इज दिस फूड वेब मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड तो बायोम इन ह्विच बायोम इज दिस फूड वेब मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सॉरी फाउंड तो कौन है करेक्ट आंसर फॉरेस्ट ना आपणकर डेजर्ट ना ग्रासलैंड ना अर्बन कौन है तो मन रखिए कौन है करेक्ट आंसर हो डेजर्ट डेजर्ट तो जनरल देखा जाए डेजर्ट डेजर्ट तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन दिस फूड वेब तो फूड वेब रे बैक्टीरिया फंक्शन कौन ना बैक्टीरिया फंक्शन हो फूड वेब रे कौन ना डिकम्पोजर कौन है डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट इफ दिज ऑर्गेनिजम्स वेर अरेंज्ड इन ए फूड पिरामिड व्हिच ऑर्गेनिजम वुड हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी अवेलेबल तो देखु ये टाइप चार्टा ऑर्गेनिजम देखते जदि एक आम फूड पिरामिड रे रखा तो सबुठ लिस्ट एनर्जी किए पाइब सबुठ लेस एनर्जी किए पाइब तो तार राइट आंसर हो किए ना आपणकर कौन है कोयोट हो करेक्ट आंसर कोयोट हो करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा देखते ह्विच पॉपुलेशन वुड इनक्रीज मोस्ट मोस्ट इफ द इनसेक्ट वेयर एलिमिनेटेड तो क्यों पॉपुलेशनटा इनक्रीज कर जदि इनसेक्ट मैंने एलिमिनेटेड होती पॉपुलेशनटा इनक्रीज कर तो राइट आंसर हो प्रोड्यूसर मानकर पॉपुलेशन इनक्रीज कर तो ऑप्शन नंबर आपर बी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन बिगिन्स द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द फूड वेब तो क्यों क्यों पॉपुलेशनटा कौन हो करेक्ट आंसर हो देखु कौन ना श्रब्स। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते देला तो ए कम्युनिटी इन ह्विच बान ओल्ड्स एंड स्नेक्स कंज्यूम ओनली माइस इज बीइंग ऑब्जर्व इफ द नंबर ऑफ स्नेक इनक्रीजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन फर्स्ट तो जदि अधिका स्नेक इनक्रीज करेंगे पॉपुलेशन ऑफ स्नेक इनक्रीजेस देन आ भितर क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट हे कौन हो करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर हो मन रखिए बी ऑप्शन हो करेक्ट दैट इज माउस पॉपुलेशन विल डिक्रीज तो माउस पॉपुलेशन ऑब्वियसली कौन हे ना डिक्रीज कर तो वन बार्ड स्पेसीज दैट फिट्स ऑन लार्ज सीड नेस्ट इन द सेम ट्री एज ए बार्ड दैट फिट्स ऑन द स्मॉल सीड तो हाउ आर द बार्ड्स एबल टू कोएक्जिस्ट तो कौन हो करेक्ट आंसर कौन हो तो बी ऑप्शन हो करेक्ट दैट इज दे ऑक्युपाइड डिफरेंट नीचेस। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो डियर शेयर द ओपन प्लेन्स विथ अदर ग्रेजिंग एनिमल्स एंड प्रीडेक्टर देन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड लेड टू द डिक्रीज इन द डियर पॉपुलेशन तो कौन है करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर हो मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हो एंड इनक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल तो बी ऑप्शन हो करेक्ट।